Hi, my name is Abhinav Mahajan and welcome to another video. This is the video for my hair care routine. अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो, मैंने इस वीडियो को तीन सेगमेंट्स में डिवाइड किया है जस्ट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. द फर्स्ट सेगमेंट इज गोइंग टू बी आर डेली हेयर केयर रूटीन. हमें हर दिन क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे बाल जो हैं हेल्दी रहें. सेकेंड सेगमेंट में मैं बात करूँगा हमारी वीकली हेयर केयर रूटीन की, हमें हफ्ते में ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे बाल बेटर लगें. थर्डली मंथली हेयर केयर रूटीन की, हमें मंथ में एक दिन ऐसी क्या चीज़ करवानी चाहिए या कौन सी चीज़ें ऐसी करवानी चाहिए अपने बालों के लिए जिससे हमारे बाल ज़्यादा हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और शाइनी रहें. हाय, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी डेली हेयर केयर रूटीन के बारे में. सो हमारे डेली हेयर केयर रूटीन शुरू हो जाती है एज सून एज वी स्टेप इन द शावर. जब आप शावर लेते हैं, मेक श्योर कि जो आप पानी यूज कर रहे हैं वो ना तो ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो. गर्म पानी आपके बालों को उस मोमेंट पे थोड़ा सॉफ्ट फील करवा सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा फ्रिजी बना देगा. नाउ वंस यू आर आउट ऑफ द शावर, अब बारी आती है कि हमारे बाल ड्राई करने की. आफ्टर टाल ड्राइंग माई हेयर, द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल यूज अ हेयर सीरम. अब हेयर सीरम जो है मैं इसलिए यूज करूंगा ताकि मेरे बाल टैंगल ना हो. अगर आप देख सकते हैं तो मेरे बाल कर्ली हैं, एंड स्पेशली जिन लोगों के कर्ली बाल होते हैं उनके बाल टैंगल बहुत होते हैं. तो अगर आप जेल्स यूज करते हैं या वैक्सेस यूज करते हैं, सो आई हाईली एडवाइस कि आप हेयर सीरम यूज करके देखिए. उससे आपके बाल जो है ज्यादा ग्लॉसी होंगे, शाइनी होंगे, टैंगल फ्री होंगे और आपके बालों की ब्रेकेज कम होगी. तो सबसे पहले आई विल यूज 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ हेयर सीरम. अब हेयर सीरम को अच्छे से पहले हाथों में रब कीजिए. उसके बाद आपने ट्राई करना है कि हेयर सीरम को अपने रूट्स पे ना लगाएं, जो आपके स्कैल्प है उस पे ना जाए, जो आपके बालों के एंड है या जो स्ट्रैंड्स हैं सिर्फ उसी पे लगे. और उस पे करने के लिए हमें सिर्फ अपने बालों में बड़ा जेंटली से मसाज करने की जरूरत है. आप बालों के एंड्स को ऐसे पकड़ के बिल्कुल एंड्स पे लगा सकते हैं. ऑलराइट, अब हेयर सीरम यूज करने के बाद इट्स टाइम टू स्टाइल आवर हेयर. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस. या तो आप स्टाइल करने के लिए एक हेयर ड्रायर यूज कर सकते हैं. अगर आप एक हेयर ड्रायर यूज करेंगे तो मेक श्योर कि आप उसकी जो हीट है उसको मीडियम रखें. दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपने बालों को नेचुरली ड्राई होने दें जिसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, और उसके बाद आप अपने बालों को स्टाइल करें. बट इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हेयर ड्रायर के साथ आप कैसे अपने बालों को हेयर ड्राई करेंगे या आपका हेयर स्टाइल कर सकते हैं. Alright, so after I'm done with styling my hair or drying my hair, I would apply a small amount of hair serum again, just for the added protection. Also, जब मैं बाहर जाता हूँ, especially धूप में, sun में, I would again apply a small amount of serum which will protect my hair against the UV rays and it will prevent the frizziness. इसके अलावा जब आप रात को सोने लगते हैं, स्पेशली समर्स में जब हम एयर कंडीशनर्स लगाते हैं, तो एयर कंडीशनर से हमारे बाल बहुत ड्राई हो सकते हैं रात को सोते हुए. सो एक बोनस टिप है कि रात को सोने से पहले भी अगर आप थोड़ा सा हेयर सीरम अपने बालों पे लगा लेंगे तो आपके बालों का जो मॉइस्चर है वो रिटेन हो जाएगा. तो ये तो हमारी डेली रूटीन होगी. एक लास्ट बोनस टिप मैं दूंगा आपको डेली रूटीन अपने हेयर केयर के लिए, कि जो भी आप पिलो कवर्स यूज करते हैं सोने के लिए उन्हें प्लीज़ कॉटन का या सिल्क के पिलो कवर्स यूज कीजिए. बिकॉज इसके अलावा अगर आप कोई भी पिलो कवर्स यूज करेंगे तो उससे फ्रिक्शन होती है आपके बालों में, जिससे आपके बाल डैमेज हो सकते हैं. एंड आफ्टर आई एम डन विद माई डेली हेयर केयर रूटीन, एज यू कैन सी, आई विल जस्ट गो एंड गेट रेडी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो विच इज आर वीकली हेयर केयर रूटीन. सी यू, बाय. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई वीकली हेयर केयर रूटीन. अब हफ्ते में कम से कम एक दिन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो सैटरडे होता है, जिस दिन मैं अपनी बॉडी को कुछ ज़्यादा स्पेशल अटेंशन देता हूँ. सो इस दिन मैं अपने हेयर के लिए, स्किन के लिए, अपनी बॉडी ग्रूमिंग के लिए, अपने नेल्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करता हूँ ताकि मैं अच्छा दिख सकूँ और अच्छा लग सकूँ, बिकॉज दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अपने हेयर के लिए सबसे पहली या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं करता हूँ वो है ऑयलिंग. अब ऑयलिंग जो है आपके बालों को हाइड्रेट करती है, आपके बालों में ब्लड फ्लो बढ़ाती है जिससे आपके बाल लंबे हो सकते हैं जल्दी, एंड इट आल्सो स्ट्रेंथन्स योर हेयर. व्हाट आई नॉर्मली डू इज़ आई आइदर यूज़ कोकोनट ऑयल
or an almond oil at least 2 hours before washing my hair. अगर आप अपनी गेम थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं देन आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट इज़ मेड बाय उस्त्रा विच हैज़ सपोर्टेड अस फॉर दिस वीडियो एंड द प्रोडक्ट इज आयुर्वेदिक हेयर ऑयल बाय उस्त्रा. नाउ दिस आयुर्वेदिक ऑयल हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज. इट हैज़ 8 नेचुरल हर्ब्स लाइक अश्वगंधा, नीम, रेड अनियन, भृंगराज, बहेरा, रोजमेरी, हरद एंड इट ऑल्सो हैज़ आंवला. इसके अलावा this product actually helps you to control hair fall. It promotes healthy scalp. It is helpful for growing long hair. It also helps to control dandruff. It nourishes hair because it has those 8 natural herbs which actually takes care of hair. It also helps you to maintain the natural black color of hair. And very interesting part of this particular product is that it is actually certified by Ayush Ministry. Now, Ayush Ministry is actually a ministry that has been formed by the government of India to promote genuine Ayurvedic products. So, this is actually a genuine product and I would like you guys to maybe give it a try. And jo iska link hai, maine description mein de diya hai. Aap jaake check out kar sakte hai. And you can also use our code AWARE to get some discount. You can also buy this product from Amazon and Flipkart too. So, what I will do is, I will use oil at least 2 hours before washing my hair. आप overnight भी कर सकते हैं इसको use, but I would still suggest कि 2 घंटे बहुत होंगे because overnight कई बार क्या होता है कि हमारा oil जो होता है ज़्यादा oily कर देता है हमारे scalp को, तो उसको उतारने के लिए हमें shampoo ज़्यादा use करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारे बाल थोड़े ज़्यादा dry हो जाते हैं, right? And again, just remember कि इतना ही oil use करना है जो आपके roots से लेके आपके scalp के end, strands, जो hair के strands है उसके end तक अच्छे से nourish कर दे और अच्छे से उसको oil कर दे, okay? Do not over oil your hair, नहीं तो आपको फिर से वही shampoo ज़्यादा use करना पड़ेगा and it will make your hair a little more frizzy. Now that brings me to the second most important point and that is shampooing your hair. अब जब shampoo की बात आती है, I use shampoo hardly once or twice a week depending on कि मेरी activity levels कैसी है, मेरा sweat कितना आया है and I would make sure कि जब भी मैंने shampoo करना है अपने बालों को उससे 2 घंटे या 1 घंटे पहले मैं अपने बालों को oil ज़रूर कर लूँ. Now when it comes to choosing a good shampoo, you just need to make sure that whatever shampoo you are going for, it needs to be paraben free or SLS free. बहुत सारे varieties हैं shampoos की, बहुत सारे products हैं. It all depends on your budget, कि आप कितना budget spend कर सकते हैं. लेकिन अगर आप कोई affordable product देखना चाहते हैं, तो even Ustra has an anti-hair fall shampoo, which is completely paraben free and SLS free. उसका भी link जो है मैं description में दे दूँगा. अब शैम्पू के बाद आई वुड ऑलवेज यूज़ अ गुड कंडीशनर और अ हेयर मास्क विच ऑल्सो शुड बी SLS फ्री और एंड पैराबेन फ्री एंड दिस कंडीशनर जस्ट गिव्स अ लिटिल मोर ग्लॉसियर लुक टू योर हेयर एंड इट ब्रिंग्स आउट लिटिल मोर टेक्सचर इन योर हेयर. सो दिस वुड बी माय वीकली हेयर केयर रूटीन. नाउ लेट्स गो टू द मंथली हेयर केयर रूटीन. मंथली हेयर केयर रूटीन में हमारा आता है सबसे पहले हेयर कट. अगर आप मेरी तरह हैं जिनके बाल लंबे हैं या लंबे कर रहे हैं या कर्ली हैं, देन आई वुड एडवाइस कि एटलीस्ट मंथ में एक बार आप बार्बर के पास जाएं और एक हेयर कट लें. और जब हेयर कट की बात कर रहा हूं तो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि जो आपके बाल होते हैं उसके एंड्स अगर आप चेक करेंगे तो उसमें स्प्लिट एंड्स सिर्फ वो कटवाने हैं, ओके? बिकॉज अगर आप वो स्प्लिट एंड्स नहीं कटवाएंगे तो आपके बाल और ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं. और अगर आपके कर्ली बाल हैं मेरी तरह, तो द बेस्ट वे टू आस्क योर बार्बर टू कट योर हेयर एस्पेशली द स्प्लिट एंड्स वाला पार्ट इज कि आप फिंगर कट करें और स्पेशली बैक फिंगर कट. सो इट मींस कि ऐसे एक अपने बालों का सेगमेंट लें. आप अपने बार्बर को बता सकते हैं, वीडियो में भी दिख रहा होगा. इस तरह आप फिंगर्स को एंड तक लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे स्प्लिट एंड्स होंगे इनको सिर्फ काटना है, ओके? लेकिन बैक कट का मतलब है आपने फिंगर्स में इन बालों को पकड़ा, पीछे लेके गए और यहाँ से आप स्प्लिट एंड्स निकालना शुरू करेंगे, ओके? सामने से नहीं, ऐसे नहीं काटने हैं बाल, इस तरह पीछे ले जाकर काटने हैं और आपके बार्बर जो हैं सेगमेंट्स में आपके बालों को बांट के फिर काटेंगे. सो उससे आपके बालों में बाउंस ज़्यादा अच्छा होगा, आपके बालों की लेंथ भी ज़्यादा छोटी नहीं होगी और आपके बाल ज़्यादा हेल्दी रहेंगे. Now, the second thing that I want to discuss for my monthly routine is aapki hair spas. And this is very optional. Agar aapke paas budget hai ya aap thodi extra care dena chahte hai apne baalon ko, to just once a month go for a good hair spa.
आपके बालों का टेक्सचर जो है स्मूथ रहेगा, आपके बालों को थोड़ी शाइन मिलेगी. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो, एज आई सेड दैट उस्तरा हैज सपोर्टेड अस फॉर दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू पुट देयर प्रोडक्ट्स लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गो चेक आउट, यूज आर कोड एंड यू विल गेट सम डिस्काउंट फॉर दैट. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लव द कॉन्टेंट एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.